आज हम बच्चे नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपकी केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 करेंगे जो कि मोल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। टॉपिक है मोल कंसेप्ट, ठीक है। मोल कंसेप्ट बच्चे बेसिकली है क्या, हमारे को अर्लियर टाइम में, ठीक है, आपने सुना होगा मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है। तो साइंटिस्ट की सबसे बड़ी अर्लियर टाइम में, बहुत पहले जब सब कुछ केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी और सब कुछ स्टार्ट हो रहा था, तो साइंटिस्ट का सबसे पहले माइंड में एक क्वेश्चन आ रहे थे, वो ये था बच्चे कि एटम का मास क्या है। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, बट यू मस्ट नो व्हाट इज द मास ऑफ एटम। तो एटम का मास फाइंड करने की कोशिश की गई। यू ऑल नो एटम इज एट दैट टाइम, अर्लियर टाइम में जाइएगा तो आपको पता है कि एटम उस टाइम इनविजिबल है और माइक्रोस्कोप कुछ किसी तरह से भी हम उस टाइम पे एटम को, एटम के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हम वॉच नहीं कर सकते। आज के टाइम में तो आप इजीली कह देते हैं मास ऑफ एटम अगर फाइंड करना है, मास ऑफ एटम अगर फाइंड करना है तो आप बहुत इजीली बोल देते हैं सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, तीनों को ऐड कर दीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता, मास ऑफ एटम पता लग जाएगा। बट उस टाइम पे, अर्लियर टाइम पे आपको यही नहीं पता था कि एटम इज इनडिविजिबल, एटम इज डिविजिबल। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या बोलते थे, एटम इज इनडिविजिबल। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उस टाइम तक डिस्कवर ही नहीं हुए थे। तो कैसे साइंटिस्ट ने एटम का मास, ठीक है, बताया और कैसे मेजर किया सब कुछ एटम के मास के अकॉर्डिंग, तो वो बच्चे आपको आज हम समझाने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो देखिए, सबसे पहले यू ऑल नो कि उस टाइम पे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं थे, ठीक है, लेकिन हम उस टाइम में कैसे मास फाइंड करते थे। देखिए बच्चे, कोई भी आपने ना, लेट अस सपोज कोई भी एक बॉक्स ले लिया, ठीक है, मान लो लेट अस सपोज एक बॉक्स ले लिया साइंटिस्ट ने और इस बॉक्स को अपने मन से 1 kg सपोज कर लिया, ठीक है ना। आपको अगर हम कहें कि केजी, आप अब सब कुछ जानते हैं कि केजी है क्या, 1000 ग्राम है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे बहुत पहले की बात अगर हम करें तो साइंटिस्ट को तो कुछ भी नहीं पता था, ठीक है ना। तो उन्होंने रैंडमली एक मास, कोई भी चीज़ पिक की, स्टोन, बॉक्स, कुछ भी पिक किया और उसको स्टैंडर्ड बना के 1 kg बोल दिया। क्या बोल दिया, 1 kg, ठीक है, और इसको कंपेयर करना शुरू कर दिया। मान लीजिए, ठीक है, अगर हम लेट अस सपोज अब मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना, इक्वलाइज करना है मास, यहां पे अगर 5 stones रख दिए हमने, जो कि हर स्टोन, अब ये लोअर डाउन चला जाएगा,
साइमल्टेनियसली साइन भी लोअर उस साइड हो जाएगा, लेकिन लेकिन अगर हमें कंपेयर करने को आ जाए तो कैसे करेंगे? अगर वन स्टोन का मास 1 kg है मान लीजिए, ठीक है, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? कितने नंबर ऑफ स्टोन्स हैं, कैसे पता लगेगा? आप क्या करेंगे, 5 stones हैं, 5 kg आ गया। अगर इसके रिलेटिवली, बॉक्स के रिलेटिवली हम इस स्टोन्स को कंपेयर करें, तो आप कह सकते हैं कि बॉक्स के रिलेटिवली 5 times हैवियर इन वेट है स्टोन्स। कितने टाइम्स? 5 times। तो कंपैरिजन मेथड स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम हर चीज को कंपेयर करने लग गए एक दूसरे से, ठीक है। तो ऐसे ही कई और चीजें कंपेयर करने लग गए। तो कहने का ये मतलब है कि जब आप कंपैरिजन में आएंगे, ठीक है, जब आप कंपैरिजन में आएंगे तो स्टैंडर्ड हमने ले लिया 1 kg, समझ आ रहे हैं। ऐसे ही एक एक रॉड की लेंथ है मान लीजिए, उसको हमने सपोज कर लिया, अर्लियर टाइम की बात कर रहा हूं, 1 meter सपोज कर लिया, ठीक है। अब उसके कंपैरिजन में सारी और भी रॉड्स होंगी, और भी लेंथ्स होंगी, उसको कंपेयर करके हमने बाकी रॉड्स की लेंथ्स को डिफाइन करना शुरू कर दिया, और कोई भी चीज़ को डिफाइन करना शुरू कर दिया लेंथ वाइज। ऐसे ही हमारा मोल कंसेप्ट का पार्ट है, ऐसे ही हमारा मोल कंसेप्ट का पार्ट है कि हम क्या करते हैं बच्चे, कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कंपैरिजन मेथड के थ्रू हमने अलग अलग कंपैरिजन्स करते हुए मोल कंसेप्ट फॉर्म किया। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, बड़े ध्यान से सुनना, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, आई एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ने क्या कहा, बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कहती है इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस of temperature and pressure contains equal volumes of different gases under similar conditions of temperature and pressure contains equal number of molecules. ठीक है, तो ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ने कहा। इसको कैसे इंटरप्रेट किया गया, ध्यान से समझना। वो कह रहे हैं अगर 2 container है मान लीजिए, इसका टेम्परेचर प्रेशर दोनों का इक्वल है, गैसेस अलग अलग हैं मान लीजिए, इधर मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, इधर मान लीजिए ऑक्सीजन गैस, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर इक्वल है, वॉल्यूम भी इक्वल है दोनों कंटेनर का, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम भी इक्वल है,
तो वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। समझ आ रही है? तो हम लेट अस सपोज हाइड्रोजन को सपोज हाइड्रोजन एट मॉलिक्यूल को या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को सपोज कर लें या हाइड्रोजन एटम को हमने सपोज कर लिया 1 ग्राम। तो अगर दोनों एलिमेंट्स की रेशियो देखें तो 1 रेशियो क्या आएगी, 16। तो हम कहेंगे देयरफॉर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम। ठीक है, सपोज कर लेते थे कि भाई इधर हाइड्रोजन जो है वो 1 ग्राम है, एक एटम 1 ग्राम के इक्वल है, तो ऑब्वियस है वो कितना होगा, कंपेयर करें तो वो 16 टाइम्स ज़्यादा हुआ। दोनों का मास देखा ना, इसके कंपैरिजन में ये क्या आया, 16 टाइम्स बीकर का मास ज़्यादा आया, तो 1:16 आ गई। तो अगर हाइड्रोजन का मास 1 है तो इसका मास कितना है, 16 ग्राम। तो ऐसे ना कंपेयर करने लग गए अर्लियर टाइम में साइंटिस्ट्स, और साइंटिस्ट ने देखा कि जब हम हाइड्रोजन को सपोज करके 1 ग्राम बाकी एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, सारे एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं मास वाइज, तो साइंटिस्ट ने कहा सारे एलिमेंट्स का मास, ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स का मास फ्रैक्शनल आ रहा है। क्या आ रहे बच्चे, फ्रैक्शनल। ये तो मैंने अपनी तरफ से बता दिया सेक्शन। लेट अस सपोज हाइड्रोजन को कंपेयर अगर हम करें सल्फर के साथ, ठीक है, तो उस टाइम मान लीजिए 31.36 फ्रैक्शनल आ रहा था। तो हमने ये कहा कि हाइड्रोजन उस टाइम में, साइंटिस्ट ने कहा कि हाइड्रोजन एक एप्रोप्रिएट एलिमेंट नहीं है कंपेयर करने के लिए। क्या ये क्लियर है? उसके बाद साइंटिस्ट ने इसी कंपैरिजन मेथड में ऑक्सीजन को यूज किया और फिर सारे एलिमेंट्स का मास फाइंड करना शुरू किया, सेम प्रोसेस है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के थ्रू। तो उसने तब भी ये पाया कि बाकी सारे एलिमेंट्स का मास, जैसे सल्फर हो गया 31.48 आ गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया 0.91 आ गया, मान लीजिए फ्लोरीन हो गया या कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, सोडियम हो गया 22.35 आ गया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसका 23 होता है आज के टाइम में, हाइड्रोजन का 1 होते हैं, सल्फर का 32 होते हैं। तो सारे के सारे क्या आ रहे थे, फिर से क्या आ रहे थे, फ्रैक्शनल आ रहे थे। तो साइंटिस्ट ने कहा ऑक्सीजन भी एक एप्रोप्रिएट एलिमेंट नहीं है कंपेयर करने का। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपकी क्लास में, लेट अस सपोज आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि कुछ बहुत ही वीक स्टूडेंट्स होंगे, कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे, कुछ इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स होंगे, ना बहुत ज़्यादा नलायक ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। तो कैसे कंपेयर किया जाए, अगर हम एक वीक स्टूडेंट के मार्क्स के मुताबिक सारी क्लास को डिटरमाइन करें कि भाई इस वीक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सारी क्लास को वॉच करा जाए, एक एक स्टूडेंट को वॉच किया जाए कि ये ऐसा होगा क्योंकि इसकी क्लास में ये बच्चा ऐसा है, क्या ये करेक्ट होगा, कंपेयर करना करेक्ट होगा वीक स्टूडेंट को? नहीं,
वी और वैसे ही एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट को भी कंपेयर करना बहुत ज़्यादा बेटर नहीं माना जाएगा। मॉडरेट स्टूडेंट को के साथ हम वीक स्टूडेंट्स के भी मार्क्स कंपेयर कर सकते हैं और इंटेलिजेंट स्टूडेंट के भी मार्क्स कंपेयर कर सकते हैं। लेट अस सपोज एक बच्चे के 50% मार्क्स आ रहे हैं, तो हम इससे बिलो वालों को वीक कह देंगे, इसके अबव वालों को इंटेलिजेंट कह देंगे, और ये जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं इसको हम स्टैंडर्ड मान लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे कंपैरिजन किया जाता था क्योंकि उस टाइम पे साइंटिस्ट के पास इतने ज़्यादा बेटर वेज नहीं होते थे, यू कैन से दैट, ठीक है। तो इस तरह से जब कंपेयर किया तो एट लास्ट कार्बन एलिमेंट को वॉच किया गया, सेम वे में किसको वॉच किया गया, कार्बन एलिमेंट को, और कार्बन के अकॉर्डिंग जब सारे के सारे एलिमेंट्स की मासेस हमने वॉच किए, ठीक है, हाइड्रोजन 1 आ रहा था, ऑक्सीजन 16 आ रहा था, सल्फर 32 आ रहा था, सोडियम 23 आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रैक्शनल नहीं आ रहा था, राउंड ऑफ करके हमारा होल नंबर, ज़्यादातर एलिमेंट्स होल नंबर में आ पा रहे थे। तो तब साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि हम कार्बन को स्टैंडर्ड एलिमेंट लेके चलेंगे और कार्बन के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स का मास वॉच किया जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये बात। हमने कार्बन को आपने देखा कि स्टैंडर्ड मान के चले हम, ठीक है। तो जैसे हम कार्बन को स्टैंडर्ड मान के बाकी एलिमेंट्स का मास फाइंड कर रहे हैं, तो हमने देखा कि कार्बन को स्टैंडर्ड जब माना, कैसे, हमने कहा कि स्टैंडर्ड क्या लेंगे, 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ये हमने स्टैंडर्ड मान लिया, ठीक है। जब हमने इसको स्टैंडर्ड माना, ठीक है, तो किसी और एलिमेंट्स का मास भी फाइंड करने की कोशिश करी, जैसे कि एग्जांपल देके बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसके अकॉर्डिंग क्या आया स्टैंडर्ड, इसको अगर हम स्टैंडर्ड लेके चले और उसके अकॉर्डिंग क्या आया, वैसे ही जैसे हम एक रॉड को 1 मीटर लेंथ मान के चले थे, समझ आ रही है, वैसे ही हम जैसे कैलकुलेशंस में एक बॉक्स को 1 kg मान के चले थे, वैसे ही हमने इसको, इस मास को, कार्बन 12 को, कार्बन के एक एटम के मास को, 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड मान लिया, ठीक है, कि ये एक स्टैंडर्ड मास है, इसके रिस्पेक्टिवली हम सब कुछ वॉच करेंगे, सारे एलिमेंट्स का मास वॉच करेंगे, ठीक है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या आया, 16 इंटू क्या होगा, 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे, वैसे ही मास ऑफ, मान लीजिए सल्फर एटम क्या आया, 32 इंटू, बिल्कुल सेम, फिर से मास ऑफ सोडियम एटम 23 इंटू, सेम। तो हम क्या करते हैं, हम बच्चे कैलकुलेशंस को इजी करते हैं, ठीक है, और समझने के वे को साइंटिस्ट इजी करता जाता है, ठीक है। एज यू ऑल नो,
आज के टाइम में आपको जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो शॉर्टर फॉर्मेशंस में मिल रही हैं। तो हमने क्या कर दिया, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा था, ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही थी, ठीक है ना। वैसे ही जैसे कि 1 kg बॉक्स के साथ कंपेयर किया सारों को, किसी को भी, ठीक है ना। मान लीजिए मेरा वेट 80 kg है, तो मेरे को कितने बॉक्स चाहिए होंगे, कितने बॉक्स मेरे पैरेलल रखने होंगे 80, तो वही कंपेयर किया ना मैंने। वैसे ही बच्चे हम जैसे कि कार्बन को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड देके चल रहे हैं, तब ये सारा आ रहा है उसके रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आपको अगर मेरे बॉक्स 1 kg बॉक्स के साथ कंपेयर करना है तो कितने बॉक्सेस रखने पड़ेंगे मेरे रिस्पेक्टिवली, 80 बॉक्स, यस और नो, मतलब 1 kg के कितने बॉक्सेस रखने पड़ेंगे, 80 बॉक्सेस रखने पड़ेंगे, तब पैरेलल आएगा। वैसे ही 16 मल्टीप्लाई करना पड़ा ऑक्सीजन के केस में, 32 मल्टीप्लाई करना पड़ा किसके केस में, सल्फर के केस में, ठीक है। वैसे ही जैसे 80 बॉक्सेस लेने पड़े, 80 को मल्टीप्लाई करना पड़ा 1 से, समझ आ रही है। वैसे ही 23 तो सोडियम के लिए, तो इस सारे को ये चीज़ बार बार आ रही थी, तो हमने इसको बोल दिया AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोल दिया, एटॉमिक मास यूनिट। तो हमने कहा 1 AMU किसके इक्वल होगा, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 atom ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। क्या ये क्लियर हुआ बच्चे? तो इस तरह से हमने कंपैरिजन मेथड पे चले और कंपेयर करते गए और आगे देखते गए, ठीक है। अब फर्दर देखिए, इसके बाद धीरे धीरे साइंटिस्ट के पास एक इंस्ट्रूमेंट आया, स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन एलिमेंट्स, इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उस टाइम तक डिस्कवर हो चुके थे और इनका मास उनको पता लग गया। वैसे ही 1 atom का मास थ्रू स्पेक्ट्रोमीटर हमें क्लैरिफाई किया गया। हमारे को स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू क्लैरिफिकेशन मिली कि इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास क्या है। वैसे ही हमने कार्बन 12 आइसोटोप, 1 atom ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का मास फाइंड किया। तो 1 atom ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, वो मास आया 1.99 × 10⁻²⁰ ग्राम्स, समझ आ रही है बच्चे। तो ये मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू फर्दर मॉडिफिकेशन हुई जब, ठीक है, तो 1 atom ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का मास आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इसकी जगह क्या रख दिया, इसकी जगह क्या रख दिया, ये मास रख दिया, आई मीन टू से इसकी जगह क्या रख दिया, मास ऑफ 1 atom का आया ना बच्चे, तो क्या रख दिया, 1 AMU क्या बन गया, 1/12 × 1.99 × 10⁻²³। ये सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारा 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम्स आया। तो ये AMU का मास हमारे को पता लग पाया, और अगर kg में करना है तो क्या होगा, 1.66 × 10⁻²⁷।
मुझे आपके कुछ डाउट्स क्लियर करना चाह रहा हूँ जो बच्चों को ज़्यादातर आते हैं, ठीक है? बड़े ध्यान से समझना। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम अगर फाइंड करना है तो क्या होगा, ठीक है? आप बहुत इजीली, ज़्यादातर बच्चे लिख देते 16 ग्राम है जी, ठीक है? लेकिन दैट इज रॉन्ग। इन्होंने बच्चे वन एटम का पूछा है, याद रहे। अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, अभी आपको क्या बोला था, 16 ए एम यू होगा, ठीक है, 16 ए एम यू, और 16 वन ए एम यू आपको अभी बताया था किसके इक्वल था, उसी के हिसाब से आप लिखेंगे 1.66 इंटू 10^-24, ठीक है? तो इस तरह से आप मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो कई कुछ चीज़ें बच्चे कंफ्यूजिंग हैं, उसको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ये चीज़ बताइए, ठीक है? ज़्यादातर बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट, अब हम बच्चे रिलेटिव एटॉमिक मास देखेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास, देखिए बच्चे, रिलेटिव एटॉमिक मास को हम क्या कहते हैं? देखिए, आपको कभी भी कहीं पे भी ये पूछा जाए कि रिलेटिव एटॉमिक मास बताइए, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए, लेट अस सपोज कोई एक ए पार्ट है दैट इज ऑफ 10 केजी एंड बी पार्ट है कोई भी दैट इज ऑफ 100 केजी, ठीक है? और आपको आ गया मास ऑफ बी रिलेटिव टू ए, क्या होगा? आप कहेंगे सर बहुत इजी है, 100/10 क्या आएगा, 10। क्या आप केजी में लिखेंगे? नहीं, याद रहेगा केजी केजी कैंसल हो गया, तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आएगा, 10। इट मींस कि रिलेटिव एटॉमिक मास के कोई भी यूनिट्स नहीं होते, नो यूनिट्स। तो आपको अगर कंपेयर करना कभी भी आ जाए तो आप इजीली कर पाएंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास के कोई भी यूनिट्स नहीं होते। लेकिन किसी और, अगर नॉर्मल एटॉमिक मास की बात करें तो हम ग्राम पर मोल लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? ग्राम पर मोल, ठीक है? अगर आप इसको भी देखें तो 16 ग्राम पर मोल लेते हैं, 16 ग्राम अपॉन वन मोल, क्या आ गया, 16 अपॉन ग्राम अपॉन वन मोल, क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको डिस्क्राइब भी करूंगा। तो 16 अपॉन एवोगैड्रो नंबर आ गया, ये फिर से वही चीज बन जाएगी जो इसका आंसर होगा, ठीक है? वो क्या आएगा, दोनों को अगर करेंगे कंपेयर करेंगे तो दोनों में सेम आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आपकी कंफ्यूजन ये दूर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब अगर लेट अस सपोज रिलेटिव एटॉमिक मास है, ठीक है, क्या होगा ये, बेसिकली मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट ओवर 1/12 इंटू मास ऑफ
वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो क्या बोला था मैंने, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं, बड़ा आसान है। किसी भी एलिमेंट का मान लीजिए ऑक्सीजन का करने तो क्या आ जाता है, 16 AMU, और ये क्या होता है 1 AMU, हमने सपोज किया था ना 1 AMU। तो ये हमारा कैंसल हो जाएगा, कैंसल होने के बाद क्या आएगा 16। तो वैसे रिलेटिव एटॉमिक मास हम फाइंड कर पाएंगे, और जैसे हमने किसी भी ए और बी को लेके भी रिलेटिव एटॉमिक मास बी का ए के रिस्पेक्टिवली फाइंड किया। तो इनके कोई यूनिट्स नहीं होते, याद रखना, ठीक है। तो अगर हमें अब कोई कहे कि आपके पास एक ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, और ऑक्सीजन एटम को सिक्सटीन बोला गया और 16 AMU बोला गया, आप डिफरेंस पता लगा लेंगे। 16 क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, RAM means रिलेटिव एटॉमिक मास, और 16 AMU क्या होगा बच्चे, मास नंबर, क्या होगा मास नंबर। तो इस तरह से आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। और ये आप वन ऑक्सीजन एटम का मास भी कह सकते हैं। तो ये बच्चे बहुत इजी हो गया। अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को हम दो तरह से डिफाइन कर रहे हैं, एक तो मास नंबर की फॉर्म में, एक रिलेटिव एटॉमिक मास की फॉर्म में, रिलेटिव एटॉमिक मास की फॉर्म में। नेक्स्ट हम करेंगे, देखिए अगर बच्चे आपको कोई मान लीजिए मॉलिक्यूल दे दिया, वाटर दे दिया, या मान लो कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, कोई भी दे दिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया मान लो, तो कार्बन डाइऑक्साइड को आप किस तरह रिप्रेजेंट करोगे, एक तो रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास की फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हो, और एक एटॉमिक मास की फॉर्म में, ठीक है। तो क्या होगा रिलेटिव एटॉमिक मास, क्या होगा इसका, कार्बन 12, 16 × 2 = 32, तो 44 आ जाएगा। देखो मैंने कोई यूनिट नहीं लिखे, लेकिन एटॉमिक मास की फॉर्म में क्या लिखेंगे, 44 AMU। क्या AMU लिख सकते हैं, दैट इज द पॉइंट। एक तरफ से तो आप कह रहे हो कि एटॉमिक मास यूनिट, तो ये तो मॉलिक्यूलर मास होगा ना बच्चे, समझ आई, मॉलिक्यूल है ना ये, तो एटॉमिक मास कैसे लिख रहा हूं मैं, एटॉमिक मास यूनिट लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, इस करके क्योंकि एटम का आ गया ना ये, तो हमने तो मॉलिक्यूल का निकाला है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, 44U लिखने को कहा। यू इज यूनिफाइड मास, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स का मास का सम, दिस इज नॉन एज यूनिफाइड मास। एग्जैक्टली अगर हमें लिखने तो 44U लिखना होगा। तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल को अब रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेशन में है, बहुत सिंपल, लेकिन किसी भी बुक्स में प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई। बट प्रॉब्लम बच्चों को बहुत आती है, बच्चे बार बार पूछते सर कहीं भी रिलेटिव एटॉमिक मास ले गया, कभी मॉलिक्यूलर मास ले गया, कभी कुछ ले गया। अब यहां पर भी क्या आ जाएगा, यहां पे भी क्या आ जाएगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ठीक है ना, मॉलिक्यूल आ गया ना बच्चे, तो उसके अकॉर्डिंग चलना होगा हमें, ठीक है। तो आपको बताना पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है क्या, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन किससे किया गया, वही चीज कार्बन 12 आइसोटोप से, ठीक है।
ठीक है, पर किसका किया गया? मॉलिक्यूल का किया गया, नॉट विद एनी अदर मॉलिक्यूल, सिंगल कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, क्लियर है ये बात। फिर अब तो बच्चे अब हम फर्दर देखेंगे, वन मोल को हम क्या बोल रहे हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, आपने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा। ये पार्टिकल्स हैं क्या? ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग। तो कोई भी पार्टिकल्स की फॉर्म में हम वन मोल बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हमें कंपेयर करवाना है तो मॉलिक्यूलर मास, लेट अस सपोज हमें मॉलिक्यूलर मास, पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं, मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन क्या है। मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस, वन मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, इन वन ग्राम और इन ग्राम। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन है। देखिए मुझे बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो आप अगर अभी समझ लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक, इन टॉपिक्स को लेके। ठीक है, तो देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। तो मोलर मास, यू कैन से मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल, और यू कैन से मास ऑफ वन यूनिट इनटू एवोगैड्रो नंबर, मास ऑफ वन यूनिट इनटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को एनए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रहे इस नंबर को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एन ए से। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, जो कि वन मोल के इक्वल होता है। तो आप देखें मास ऑफ वन यूनिट इंटू एवोगैड्रो नंबर। अगर मैं अब अगर ऑक्सीजन का निकालना चाहूँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, हमने फाइंड करना है, मान लीजिए, तो क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इंटू एवोगैड्रो नंबर। समझ आ रही है? सेम वे आप अगर लेट सपोज वन निकालते हैं, जरा 16 AMU होते कि नहीं, और अगर ग्राम्स में निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एवोगैड्रो नंबर के एन ए ले रहे हैं, सॉल्व करके देखें जरा, 16 AMU, 1 AMU किसके इक्वल है, अभी बताया था 1.66 इंटू 10^-24 ग्राम, और एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10^23। समझ आ रहा है कि नहीं, करो जरा मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जब ये मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 10.1 इंटू 10^-1, है ना, और सॉल्व करेंगे 1.01 ग्राम, और ये मोल में था तो ग्राम पर मोल ग्राम कह दें, इसको हम अप्रोक्सीमेटली, इस पार्ट को
हम अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेते हैं, 1 ग्राम ले लेते हैं, तो 16 × 1 ग्राम क्या हो गया, 16 ग्राम। तभी हम बच्चे क्या बोल देते थे, 16 ग्राम आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं आज तक, आज तक एएमयू और एवोगैड्रो नंबर को 1 ग्राम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ 1 AMU इंटू एवोगैड्रो नंबर किसके इक्वल है, 1 ग्राम के, है ना। तो 1 AMU किसके इक्वल हो गया, 1 ग्राम अपॉन, इसको मोल भी कह सकते हैं, तो ग्राम पर मोल के इक्वल हो गया, ठीक है, 1 AMU। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको अभी लग रहा है कि ऐसे कर दिया कैसे हो जाएगा, बार बार यूज़ कर रहे हैं ये, ठीक है। कई सारे क्वेश्चंस हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ये कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे तो बहुत चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। काफ़ी पहले ऐसे कई क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है। तो 1 AMU क्या होता है, ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इसी से ये कंसेप्ट आपका कंप्लीट होते हैं, जिस कंसेप्ट में मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दी मोल कंसेप्ट की, ठीक है। अब बुकिश लैंग्वेज पे जाके आपको प्रॉपर वे में समझाया जाएगा कि मोल किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो फर्दर हम न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट अभी के लिए आप ये बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए।